चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जनता की ये जो आवाज़ है, जनता की आवाज़ है कि ताज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जो धर्म संप्रदाय की बात कहकर वोट बांटने का काम करते थे, जनता जान चुकी है किसको भिड़ाने से किसको वोट मिलता है। क्या आपके हिसाब से बदल रहा है? क्योंकि यही नहीं, मुजफ्फरनगर की सीट के सरदना विधानसभा में भी जो 24 है ठाकुरों की, यहाँ पर भी कई जगह, वो राजपूतों का क्यों इस तरह से गुस्सा अचानक बीजेपी पर उपड़ रहा है? देखो, राजपूतों की भूल कमल का फूल, इस तरह का आपने देखा भी होगा एडवर्टाइजिंग, जो पोस्टर हम लोगों ने उल्टे कर दिए, राजपूतों ने उल्टे कर दिए। जो स्वाभिमान में किसी का साथ ना दे सके, राम मैं नहीं हुआ वो मोदी मैं हुआ, राम लला को लला दिखा दिया, छोटा दिखा दिया, और मोदी जी ने अपने आप को बहुत बड़ा दिखा दिया और नारा दे दिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जिसने ये कहा है अब हम उनको भगाएंगे, जनता ने ये ठान लिया है। सीसीए में आपका स्वागत है। हमारे साथ अभी कैराना लोकसभा से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शेर सिंह राणा जी हैं। शेर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सीसीए में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शेर सिंह जी, आप यहाँ पर इकरा हासन के साथ प्रचार में आप घूम रहे हैं, क्या अभी तक आपको रिस्पांस नज़र आ रहा है? देखो, जनता की ये जो आवाज़ है, जनता की आवाज़ है कि ताज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जिस प्रकार से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सरकार की तानाशाही चल रही है, उस तानाशाही रवैये को तोड़ने के लिए जनता को सरकार पर गुस्सा है, और स्वाभाविक है, जिसकी सरकार होती है, सरकार अगर जो अपने वादों पर पूरे नहीं उतरती तो जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। ये राजपूत बहुल्य गांव है, जिस गांव में आप चंदनामाल में खड़े हो, ब्राह्मण बहुल्य गांव है, यहाँ कश्यप है, पाल है, प्रजापति समाज है, लेकिन एक भी वोट मुस्लिम्स नहीं है। और सरकार को ये, मैं इस गाँव के माध्यम से आईना दिखाना चाहता हूँ कि देख लीजिएगा, ये टोटल गांव भाजपा का था, टोटल वोट बीजेपी की थी, लेकिन बीजेपी के सांसद के द्वारा इन 5 सालों में एक भी काम इस गांव में नहीं किया गया। आज जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है और जनता सारी की सारी आज इकरा हासन के साथ है, समाजवादी के साथ है। जो धर्म संप्रदाय की बात कहकर वोट बांटने का काम करते थे, जनता जान चुकी है किसको भिड़ाने से किसको वोट मिलता है। आज इकरा हासन को वोट देने का काम ये जनता कर रही है, कहीं स्वाभिमान के लिए कर रही है, कहीं सम्मान के लिए कर रही है। जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो एक समाज का जनप्रतिनिधि नहीं होता, वो उस पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन 36 बिरादरी में काम करना, उनके सम्मान के लिए लड़ना होता है। लेकिन हमारे सांसद जो हैं प्रदीप चौधरी जी, उन्होंने मात्र अपने आप को एक गुज्जर जाति का मानकर अदर्स को उन्होंने दरकिनार कर दिया और वो गुज्जर को भी नहीं साध पाए। दुर्भाग्य उनके लिए यह है कि वो गुज्जर को भी नहीं साध पाए और उसी का परिणाम है कि आज कश्यप, सैनी, पाल, प्रजापति, सब के सब, राजपूत हो चाहे ब्राह्मण, वो सब के सब आज इकरा हासन के साथ है, समाजवादी के साथ है। चलिए, मैं एक सवाल आपसे ज़रूर जल्दी से पूछता हूँ। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर एक भी मुस्लिम वोट नहीं है इस गाँव में, राजपूत बहुल गाँव है, पिछले कुछ सालों से तो बिल्कुल माना जाता था कि राजपूत ना बाएं देखता है ना दाएं देखता है, बस कमल का फूल देखता है। क्या आपके हिसाब से बदल रहा है? क्योंकि यही नहीं, मुजफ्फरनगर की सीट के सरदना विधानसभा में भी जो 24 है ठाकुरों की, यहाँ पर भी कई जगह, वो राजपूतों का क्यों इस तरह से गुस्सा अचानक बीजेपी पर उपड़ रहा है? देखो, राजपूतों की भूल कमल का फूल, इस तरह का आपने देखा भी होगा एडवर्टाइजिंग, जो पोस्टर हम लोगों ने उल्टे कर दिए, राजपूतों ने उल्टे कर दिए। जो स्वाभिमान में किसी का साथ ना दे सके, वादे बहुत बड़े बड़े किए हों, कुछ लोगों को विरोध है कि उनके प्रत्याशियों को, राजपूत प्रत्याशियों को नहीं उतारा गया मैदान में, कुछ जनता का रोष है। राजपूत बहुल्य गांव में, जहां हिंदू जाति के बहुल्य गांव हैं, उन गांवों में डेवलपमेंट के लिए इन लोगों के द्वारा कुछ किया नहीं गया। ये तो कहते हैं हम हिंदुओं की ही सरकार है, ये तो राम मंदिर की भी बात करते हैं, कहते हैं हिंदू पक्ष हम साधने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे कोई काम नहीं हुआ। इन लोगों ने जाति के आधार पर बांटने का काम किया हमेशा, जनसंख्या नियंत्रण जहाँ बिल लाना चाहिए था इन लोगों को, ये नहीं लाए, तो कहाँ वो किसी की रक्षा हुई। अब जो हिंदू समाज है वो खाली मंदिर के नाम पर ये वोट बटोरना चाहते थे, लेकिन उस
उसमें भी मंदिर निर्माण जिस समय उद्घाटन कार्यक्रम हुआ उसमें उद्योगपति थे, वहाँ पर बड़ी पार्टियाँ थीं, लेकिन वहाँ छोटे आदमी का, किसी दलित समाज का, किसी पिछड़े वर्ग का उसमें स्थान नहीं रहा। जो जो जितने शंकराचार्य थे वे सबके सब उसमें नाराज थे, चाहे वहाँ ब्राह्मण समाज हो चाहे क्षत्रिय समाज हो, उसका वहाँ सम्मान नहीं किया गया। वहाँ इकला स्थान अगर जो रहा तो मोदी मैं होकर रह गया, राम मंदिर राम मैं नहीं हुआ, वो मोदी मैं हुआ। राम लला को लला दिखा दिया, छोटा दिखा दिया, और मोदी जी ने अपने आप को बहुत बड़ा दिखा दिया और नारा दे दिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जिसने ये कहा है अब हम उनको भगाएंगे, जनता ने ये ठान लिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शेर सिंह राणा जी। ये थे शेर सिंह राणा जी, यहाँ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप लोग जुड़े रहे CCA के साथ।